विधि के विधाता रोवा खारिज जिनकारी जी, सुन ले ही यार जी हमारे साहेब। फिर एक दिन कपिल सर की का मैसेज आया कि नेहा एक गीत लिखना है, एक हम वेब सीरीज बना रहे हैं ब्लैक जस्टिस करके, 5 करोड़ मुकदमा लटकौले बन, यानी 5 करोड़ मुकदमा जो है वो पेंडिंग है, 2 से 3 शिफ्ट कर लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जो केस हैं, तो 2 से 3 शिफ्ट में कर लीजिए, लेकिन सुनिए और कम से कम 1 से 2 साल में निपटार करिए, 5 साल 10 साल 20 साल आदमी मर जाता है पता ही नहीं चलता है। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं? मेरा नाम नेहा है और मैं लगभग हर सामाजिक मुद्दे पे गीत लिखने और गाने की कोशिश करती हूँ। पिछले 2.5 सालों से मैंने बेरोजगारी पे गीत लिखा, महंगाई पे गीत लिखा, शिक्षा स्वास्थ्य पे गीत लिखा, मुझे नोटिस भी भेजते रहते हैं लोग, इस तरह की बदमाशियाँ भी होती रहती हैं मेरे साथ। लेकिन जुडिशरी पे गीत लिखने के बारे में मैंने बहुत पहले सोचा, फिर मुझे लगा कि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ, बहुत समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन कपिल सर की का मैसेज आया कि नेहा एक गीत लिखना है, एक हम वेब सीरीज बना रहे हैं ब्लैक जस्टिस करके, उसमें गीत लिखना है तुमको। तो सर ने सारी डाटा हमको दी और मैंने उस पर एक गीत लिखा। मैं बहुत सारा जब कैमरा ऑन हो जाता है तो मैं बड़ी नर्वस हो जाती हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ तो बहुत बात, जितना आपने बात किया मैं एकदम सहमत हूँ आपसे, लेकिन मैं उसे बोल नहीं सकती, मैं उसे गा सकती हूँ। प्लीज प्लीज नहीं, तो मैं गा करके सुनाती हूँ। भोजपुरी में मैंने गीत लिखा है क्योंकि मैं भोजपुरी में लिखती और गाती हूँ, और बाद में मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगी अगर थोड़ी दिक्कत हुई आप लोगों को। तो गीत ऐसे है, अभी आप लोगों ने सुना भी, मैं सुना भी देती हूँ। अरे विधि के विधाता रउआ खारिज जिनकारी जी, विधि के विधाता रउआ खारिज जिनकारी जी, सुन ले ही यार जी हमारे साहेब, पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। अरे कोटिया कचहरी में गोरवन के भाषा चले, हमारा चश्मा नाई के कुछ ना पल्ले पड़े, लागे अंग्रेजी दरबार साहेब, पेंडिंग बाके सिया मारे साहेब। अरे कही को न्याय मूर्ति सैकड़ फरियादी, फैसला के आस में ताके लाया बादी, जज चाहे सतर जा रहे साहेब, पेंडिंग बाके सिया मारे साहेब। अरे 5 करोड़ मुकदमा लटकवले बानी, 2 से 3 शिफ्ट कर ली हाथ जोड़ के कहतनी, 2 साल में करी निबटारे साहेब, पेंडिंग बाके सिया मारे साहेब। चैत बैसाख सावन भादो में वकालत चले, कार्तिक कुवार अगहन पूस में अदालत खुले, बरहो मास सुनी मुर्गो हारे साहेब, पेंडिंग बाके सिया मारे साहेब। आप लोगों को समझ में आया है? हम थोड़ा सा हिंदी में भी समझा। अच्छा, इस गीत में मैंने ये लिखा है, मैं भोजपुरी में लिखा, मैं एक बार हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि कोर्ट और कचहरी में जो है वो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, ऐसा लगता है जैसे
अंग्रेजी दरबार चल रहा है, गांव देहात का आदमी जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या भोजपुरी बोलने वाला है, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी बोलने वाला कम पढ़ा लिखा है, लेकिन जो भोजपुरी में ज्यादा सहज है, हिंदी में ज्यादा सहज है, वैसे आदमी को तो पता ही नहीं चलेगा कि जज साहब बोल क्या रहे हैं। और जब पता ही नहीं चलेगा तो वो भी अपनी बात कैसे कह पाएगा। तो वही लाइन है, कोर्ट आपका चहरी में गोरवन के भाषा चले, अंग्रेजों की भाषा चल रही है। दूसरी लाइन में मैंने लिखा है, कही को न्यायमूर्ति सैकड़ फरियादी। न्यायमूर्ति तो एक है और फरियादी लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, और जज साहब एक हैं। फैसला के आस में ताकेला आबादी, फैसले का इंतजार कर रहा है बहुत सारे लोग। जज चाहे 70,000 है साहब, इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा ना, 70,000 जज अभी और चाहिए। 5 करोड़ मुकदमा लटकौले बन, यानी 5 करोड़ मुकदमा जो है वो पेंडिंग है। 2 से 3 शिफ्ट कर लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जो केस हैं, तो 2 से 3 शिफ्ट में कर लीजिए। लेकिन सुनिए, और कम से कम 1 से 2 साल में निपटार करिए। 5 साल 10 साल 20 साल आदमी मर जाता है, पता ही नहीं चलता है उसका क्या हुआ, तो वो जरूरी है। चैत बैसाख सावन भादो में वकालत खुले, कार्तिक कुवार अगहन पूस में अदालत खुले का मतलब ये है, चैत वैशाख जेष आषाढ़ सावन जनवरी फरवरी मार्च हर महीना में ही चले के चाहिए, ना कि जून महीना में चल के पहाड़ में छुट्टी मनावे जज साहब, तो ही ना होके के चाहिए। 12 मास सुनी मुर्गो हारे साहब, यानी 12 मास हमारी जो है सुनवाई हो, ये इसका मतलब था। बाकी कपिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे चुना इस गीत के लिए। सच में मुझे नहीं आइडिया था कि मैं इस पर कुछ लिख पाऊंगी, आपका बहुत बहुत आभार। और आप लोग भी ब्लैक जस्टिस जो वेब सीरीज मैंने भी देखा, उससे पहले भी मैंने ट्रेलर को देखा, मुझे काफी अच्छा लगा, मैं भी देखूंगी, आप लोग भी देखिएगा, अच्छा लगा मिल गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।